So girls, the next topic is ether formation, that is Williams synthesis. इसमें क्या होता है, जो phenols होते हैं ना वो converted होते हैं into the ether. तभी हम इसको बोलते हैं ether formation. So phenols are converted into the corresponding alkyl ether, जो भी है. ठीक है, अब हमने पहले सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास होता है phenol group. ठीक है, इन द alkaline medium phenol is OH. इन द एल्कलाइन मीडियम दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. अब ये क्या करेगा, दिस वन इज बेस प्रोटोन को अब्सट्रैक्ट कर लेगा इजिली. ठीक है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, फिनोक्साइड आयन विच इज मोर स्टेबल. ठीक है, तो फिनोक्साइड बन गया, ओ नेगेटिव आ गया, एन ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और प्लस इसमें से वाटर इलिमिनेट हो गया. सो ये बन गया. अब जो ये फिनोक्साइड आयन है ना, ये कहाँ पे अटैक करेगा, जो एक और चीज़ है दैट इज एल्काइल हैलाइड प्रेजेंट है. सो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ ओ नेगेटिव एन ए पॉजिटिव और यहाँ पे मेरे पास है C2H5. अब इसमें से आयोडीन क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है, निकल जाएगा. कैसे निकलेगा, जब ये एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, जहाँ पे जो फिनोक्साइड आयन है वो कैसे एक्ट करेंगे एज अ न्यूक्लियोफाइल. सो हम बोल सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय द फिनोक्साइड आयन प्रेजेंट इन द एल्कलाइन सॉल्यूशन. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, फिर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ओ आगे क्या है C2H5. अब ये वाला जो ग्रुप है ये क्या बन गया, ईथर फॉर्मेशन होगी. ठीक है, यहाँ पे क्या होगी, ईथर फॉर्मेशन होगी. सो आपको पता है ना R क्या होता है, ईथर होता है. ये R ग्रुप हो गया, सपोज ये भी R ग्रुप है, सेंटर में O है. सो ईथर फॉर्मेशन.